मीडिया भारत के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, पर आज का मीडिया स्वतंत्र होके भी स्वतंत्र दिखाई नहीं देता। यही वजह रही कि देश में मीडिया दो हिस्सों में बटा है, एक गोदी मीडिया और दूसरा वो मीडिया जो पूरी तरह से आजाद है। आज हम बात करेंगे कि पिछले हफ्ते गोदी मीडिया की डिबेट्स और रियल मीडिया की डिबेट्स के मुद्दों में कितना अंतर रहा। पहले बात करते हैं एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की और जानेंगे कि उन्होंने किन मुद्दों को तवज्जो दी। पहला, कोरोना वायरस बढ़ रहा है, लापरवाही भी बढ़ती जा रही है। दूसरा, बाजारों में बेपरवाह भीड़ खतरनाक साबित होगी। तीसरा, बिहार की जनता ने किस बात पर दिया वोट। चौथा, एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर। और पांचवा, क्या सरकार के पास बेरोजगारी के सवाल का कोई हल है। रवीश अपने प्राइम टाइम के जरिए सरकार से जनता के मुद्दों पर लगातार सवाल करते ही रहते हैं। इस बार भी उन्होंने एक ऐसे मुद्दे पर जोर दिया जो शायद हमारे देश का गोदी मीडिया भूल ही गया हो, वो है कोरोना वायरस। इस मुद्दे पर बात करते उन्होंने बढ़ते कोरोना केसेस पर चिंता जाहिर की। खरीदारी भी जरूरी है और दुकानदारी भी। इस संतुलन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए जरूरी है कि तीन सामान्य नियमों का गंभीरता से पालन हो, मास्क पहनने का अनुशासन ना टूटे। कुछ लोगों की अजीब फितूर होती है, दुनिया में लाखों लोग मास्क पहनकर घूम रहे हैं लेकिन उनकी सांस रुक जाती है, ये सब मन के चोंचले हैं। एक दिन में कोरोना से 104 लोगों की मौत सामान्य घटना नहीं है। पिछले 24 घंटों में बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सबसे अधिक नए केस आए हैं। राजस्थान में भी केस बढ़ने लगे हैं। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 2788 केस आए और 19 लोगों की मौत हुई। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया का कहना है कि दिवाली कहीं सुपर स्प्रेडर ना बन जाए। सबको पता था कि त्योहार आने वाले हैं, खरीद बिक्री भी जरूरी है क्योंकि वो अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। कायदे से मार्च के महीने की तरह सार्वजनिक अनुशासन कायम करने का अभ्यास इन महीनों में भी होना चाहिए था। अब बात करेंगे न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की और जानेंगे कि उन्होंने किन मुद्दों को अपनी डिबेट में उठाया। क्या कोरोना से हालात फिर बिगड़ रहे हैं? कोरोना प्लस प्रदूषण, खतरनाक कॉकटेल, जश्न के माहौल में सोशल डिस्टेंसिंग क्यों भूल रहे हैं लोग। तीसरा, मोदी सरकार का पैकेज खत्म कर देगी मंदी। चौथा, विपक्ष क्यों नहीं जीत पा रहा है जनता का भरोसा। और पांचवा, नौकरी बन गई सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा। संदीप चौधरी अपनी डिबेट सबसे बड़ा सवाल के जरिए बीजेपी के नेताओं से सवाल करते हैं, जो गोदी मीडिया अपनी डिबेट के जरिए नहीं उठाता। संदीप चौधरी ने अपनी डिबेट में कोरोना के मुद्दे पर भी डिबेट की और चिंता जाहिर की। पर यहाँ पर एक बहुत अहम बात है, केंद्र सरकार दिल्ली सरकार मिलकर साझा लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन क्या कोरोना सिर्फ दिल्ली स्पेसिफिक हो गया? दिल्ली में ही केसेस बढ़ रहे हैं, बाकी देश से कोरोना भाग गया है क्या? या वहां टेस्टिंग ही नहीं हो रही है, हम लापरवाह हो गए हैं, यह हमारी प्राथमिकता प्रायोरिटी नहीं रह गई है? यह भी एक अहम सवाल है। सिर्फ दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं, बाकी जगह क्यों नहीं? एनसीआर में क्यों नहीं, गाजियाबाद में, नोएडा में जहां मैं बैठा हूं, फरीदाबाद में, गुरुग्राम में और देश के बाकी हिस्सों से क्या कोरोना भाग गया है? या वहां टेस्टिंग ही रोक दिए हम? अब हमें फिक्री नहीं है, अब यह है कि भैया आत्मनिर्भर हो, अपने घर में रहो, अपनी जान के आप खुद जिम्मेदार हैं। वो रोडवेज बसेस में लिखा होता था ना, यात्री अपने जान और अपने सामान के लिए खुद जिम्मेदार है। तो क्या देश के बाकी हिस्सों में आप अपनी जान के लिए खुद जिम्मेदार हो गए? अब बात करते हैं उन मीडिया एंकर्स की जो सरकार से सवाल तो करते नहीं, इसके अलावा जो मुद्दे देश के जनता के लिए जरूरी हैं उस पर कोई अभी नहीं करते। आइए देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को अपनी डिबेट में तवज्जो दी है। पहले बात करते हैं न्यूज नेशन के वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया की और देखते हैं कि उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, टाइम फॉर फाइनल वॉर अगेंस्ट टेररलैंड। दूसरा, आर सेकुलर पार्टीज रेडिकलाइजिंग मुस्लिम्स इन इंडिया। तीसरा, हाउ मच नीतीश कुमार एंड जेडीयू हैव लॉस्ट इन दिस इलेक्शन। चौथा, व्हाई लूजिंग पार्टी ऑलवेज ब्लेम्स ईवीएम। और पांचवा, हु इज होपफुल टू जो बाइडेन फॉर आर्टिकल 317 वैली। आपने खुद ही देखा कि दीपक चौरसिया ने किन मुद्दों पर चर्चा की। पिछले हफ्ते जहां एक तरफ एक मीडिया ने कोरोना जैसे मुद्दे पर चर्चा की, वहीं दूसरी तरफ दीपक चौरसिया ने इस मुद्दे को देश का मुद्दा ही नहीं बनाया। खैर, उन्होंने हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान जैसे मुद्दों को ही तवज्जो दी है। आतंक जिस भी रास्ते से घुसपैठ की हिमाकत करेगा, आक्रामक तेवरों के साथ भारत उस पर प्रहार करेगा, इसी अंदाज में भारतीय सेना ने आज पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। दरअसल आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तानी सेना ने एलओसी से सटे 3 सेक्टर पर हैवी फायरिंग की और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हो गए। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में केरन सेक्टर के आगे पाकिस्तान की चौकियों को भारतीय जवानों ने धुआं धुआं कर दिया। देखिए तस्वीर, ये भी तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। कहां पर ये कार्रवाई हुई है? भारत और पाकिस्तान के एलओसी पर।
लाइन ऑफ कंट्रोल पर यह कार्रवाई हुई है और तंगधार, केरन सेक्टर, गुरेज सेक्टर यहां पर हेवी फायरिंग हुई थी। इसीलिए देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, आतंक के गढ़ पाकिस्तान पर अंतिम प्रहार का वक्त आ गया है। अब बात करते हैं न्यूज 18 के पत्रकार अमीश देवगन की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की है। पहला, महागठबंधन में लड़ाई, बीजेपी की बंगाल पर चढ़ाई, बिहार के बाद बंगाल में चलेगा मोदी फैक्टर। दूसरा, बीजेपी की दिवाली बिहार विजय वाली, ब्रांड मोदी का कमाल, विपक्ष हुआ बिहार। तीसरा, बिहार में राज तिलक की तैयारी, कल तेजस्वी यादव का मंगलवार होगा मंगल। चौथा, ममता दीदी के किले पर शाह की चढ़ाई, अब की बार बंगाल में बीजेपी 200 पार। और पांचवा, बिहार की लड़ाई ईवीएम और एएमयू पर आई, महागठबंधन जीता तो बिहार में खुलेगा एएमयू। अमीश देवगन की डिबेट में भी बेरोजगारी, कोरोना जैसे मुद्दों पर चर्चा ही नहीं है, चर्चा है तो सिर्फ मोदी मोदी पर। पटना से दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी बिहार विजय का जश्न मना रही है, क्योंकि दिवाली से पहले एनडीए और बीजेपी ने चौतरफा सियासी धमाका कर दिया है और मुद्दा सिर्फ बिहार में जीत का नहीं है, 10 राज्यों में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ जिसमें से भारतीय जनता पार्टी ने 40 सीटों पर जीत हासिल करी, लगभग 59 सीट पर यह चुनाव हुआ। इनमें पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक हर राज्य शामिल है। तो क्या ये मोदी लहर का बड़ा संकेत है, क्योंकि इन 10 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत का स्ट्राइक रेट करीब 68% है, बिहार में बीजेपी का स्ट्राइक रेट करीब 62% है, जबकि बीजेपी से एक सीट ज्यादा जीतने वाली आरजेडी का स्ट्राइक रेट बीजेपी से 10% कम है। इसी शानदार कामयाबी का जश्न आज भारतीय जनता पार्टी मना रही है, तो आज इन्हीं तमाम चुनावी नतीजों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आपने दोनों तरफ के मीडिया की डिबेट्स देखी, हम उम्मीद करेंगे कि आजाद मीडिया सरकार से सवाल करता रहेगा और देश की जनता के लिए जरूरी मुद्दे उठाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।